नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूथ स्टडी 76 पर। तो रीजनिंग में अपनी क्लास चल रही थी क्लासिफिकेशन पर, जिसमें चल रहा था शब्द का क्लास, शब्दों का क्लासिफिकेशन। तो आज उसी क्लास को आगे कंटिन्यू करते हुए बात करते हैं। तो एक क्लास हो चुकी है क्लासिफिकेशन की शब्दों वाली, और उससे पहले अंकों वाली क्लासिफिकेशन की क्लासें हो चुकी हैं। तो जिन साथियों ने अभी तक ये क्लासें नहीं देखी हैं वो देख लें। तो बात करते हैं आगे क्लास की। तो क्लास में यहाँ पर सवाल दे रखा है, मूली बैंगन आलू गाजर अदरक में से कौन सा भिन्न है। तो मूली बैंगन आलू गाजर अदरक में से कौन सा भिन्न है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 46 का कौन सा आंसर होगा, तो मूली बैंगन आलू गाजर अदरक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मूली आलू गाजर अदरक ये सारे के सारे जमीन के अंदर लगते हैं, उगते हैं, और बैंगन जो है वो जमीन के ऊपर फलता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेकेंड बैंगन बैंगन इसमें से भिन्न है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की, फोटो पेंटिंग स्केच ड्राइंग पेंट। तो इसमें से कौन सा अलग है। तो इसमें से देख सकते हैं कौन सा अलग हुआ, फोटो पेंटिंग स्केच ड्राइंग ये सारे के सारे समान है। पेंट क्या है, पेंट अलग है, तो इसमें से पेंट अलग है। 48 में देखिए, माता पिता बेटा चाचा कजन संबंधी। तो 48 में क्या है, तो 48 में क्या है, माता पिता बेटा चाचा कजन संबंधी। तो यहाँ पर देख सकते हैं माता पिता बेटा चाचा कजन ये सारे के सारे एक जैसे गुण रखते हैं, संबंधी इसमें अलग है। तो यहाँ पर क्वेश्चन 5 का वो यहाँ पर हो जाएगा 5 नंबर 48 का संबंधी, ठीक है। तो संबंधी इसमें अलग हो जाएगा। उसके बाद में बात करते हैं 49 की, चमगादड़ व्हेल कुत्ता मछली बिल्ली इसमें से कौन सा अलग है। तो इसमें से आप देख सकते हैं चमगादड़ व्हेल कुत्ता मछली बिल्ली, यहाँ पर व्हेल कुत्ता मछली बिल्ली ये क्या है, इसका हो जाएगा चमगादड़, क्योंकि चमगादड़ सिर्फ रात में दिखाई पड़ता है, व्हेल कुत्ता बिल्ली मछली इन सबको आप दिन में भी देख सकते हैं। तो 49 का हो जाएगा चमगादड़, चमगादड़ हो जाएगा। उसके बाद में बात करते हैं 50 की, सेब केला नारंगी लीची बंद गोभी, सेब केला नारंगी लीची बंद गोभी। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्या होगा, सेब केला नारंगी लीची, तो यहाँ पर सेब केला नारंगी लीची ये क्या है, ये सारे के सारे फल हैं, जबकि बंद गोभी क्या है, बंद गोभी एक वेजिटेबल है, सब्जी है। तो यहाँ पर बंद गोभी आपका अलग हो जाएगा, बंद गोभी अलग हो जाएगा। बात करते हैं 51 में क्या है, 51 में क्या है, 51 में है बाल्टी नल बोतल गिलास घड़ा, बाल्टी नल बोतल गिलास घड़ा। तो यहाँ पर कौन सा अलग हो जाएगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं बाल्टी में भी पानी भरा जाता है, गिलास में भी, घड़ा में भी, और बोतल में भी, इन सभी में पानी को रखा जाता है, लेकिन नल क्या है, नल एक पानी देने का स्रोत है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, नल वाला आपका राइट हो जाएगा, नल इसमें से भिन्न है। तो 51 नंबर का हो जाएगा नल, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं 52 नंबर पर, कलम पेंसिल स्टेपलर शार्पनर ड्राइवर। तो इसमें से क्या होगा, 52 में तो यहाँ पर आप लोग बता सकते हैं कलम पेंसिल स्टेपलर शार्पनर ये क्या है, सारे स्टेशनरी की चीजें, ठीक है। इसका पढ़ाई लिखाई में यूज किया जाता है। ड्रॉअर क्या है, ड्रॉअर या फर्नीचर में एक लगा हुआ होता है जिसमें सामान को रखा जाता है। तो यहाँ पर आपका ये अलग हो जाएगा, ड्रॉअर, ठीक है। बात करते हैं 53 की, 53 में क्या होगा, घोड़ा कुत्ता ऊंट गाय लोमड़ी। तो 53 में क्या होगा, घोड़ा कुत्ता गाय ऊंट लोमड़ी। तो यहाँ पर देख सकते हैं घोड़ा कुत्ता ऊंट गाय लोमड़ी, लोमड़ी क्या है, एक जंगली जानवर है। तो यहाँ इसमें हो जाएगा लोमड़ी, बाकी के सारे क्या है, ये सामान्य से जानवर है, इनको पाला भी जाता है, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा लोमड़ी, पालतू जानवर सारे के सारे लोमड़ी को छोड़कर। 54 में क्या होगा, बेंच कुर्सी लकड़ी सोफा अलमारी। 54 में क्या होगा, ठीक है। तो बेंच कुर्सी सोफा अलमारी, बेंच कुर्सी सोफा अलमारी ये सारे सारे लकड़ी के बनते हैं, जबकि लकड़ी एक अलग है, इसमें से भिन्न है। तो ये हो जाएगा लकड़ी, इसमें लकड़ी आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं 55 की,
55 में नाव बस रेलगाड़ी टैक्सी पहिया, 55 में नाव बस रेलगाड़ी पहिया। देखिए नाव भी एक वाहन है, सवारी है जो नदी में चलती है, उसके द्वारा भी इधर से उधर जाया जा सकता है, बस से भी इधर उधर जाया जा सकता है, ठीक है, रेलगाड़ी से भी जाया जाता है इधर से उधर, टैक्सी से भी जाया जाता है, लेकिन पहिया क्या है, पहिया इन सभी में से भिन्न है, तो इसमें क्या हो जाएगा, पहिया इसमें से भिन्न है, तो ये हो जाएगा 55 का पहिया। उसके बाद बात करते हैं 56 की, 56 का क्या है, 56 का क्या है, 56 का है बैंगन लौकी कद्दू टमाटर, बैंगन लौकी कद्दू पालक टमाटर, ठीक है, बैंगन लौकी कद्दू पालक टमाटर, यहाँ पर देख सकते हैं बैंगन लौकी कद्दू और टमाटर ये वेजिटेबल है, लेकिन पालक क्या आता है, एक साग में आता है, पालक इन सभी से अलग है क्योंकि ये पत्तेदार सब्जी है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं 57 की, 57 में ऊंट घोड़ा बैल बिल्ली गधा, ठीक है, 57 में देख सकते हैं ऊंट घोड़ा बैल बिल्ली गधा, तो देखिए ऊंट घोड़ा बैल गधा ये सारे के सारे शाकाहारी जानवर हैं और ये बोझा ढोने के काम में आते हैं, लेकिन बिल्ली मांसाहारी है, ये बोझा ढोने के काम में नहीं आती है, तो इसकी क्या हो जाएगी, बिल्ली, बिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बिल्ली इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं आगे, बात करते हैं आगे, बात करते हैं गुलाब लिली हिबिस्कस गेंदा कैक्टस, तो 58 का क्या हो जाएगा, कैक्टस, क्योंकि कैक्टस एक मरुस्थलीय पौधा है, गुलाब लिली हिबिस्कस गेंदा ये क्या है, ये सारे के सारे फूल हैं, कैक्टस क्या है, एक मरुस्थलीय पौधा है, बैंगन हल्दी जीरा धनिया मिर्च, बैंगन हल्दी जीरा धनिया मिर्च, तो इसमें से क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं बैंगन हल्दी जीरा धनिया मिर्च, हल्दी जीरा धनिया मिर्च ये क्या है, ये सारे के सारे मसाले हैं, जबकि बैंगन क्या है, एक सब्जी है, तो इसमें से बैंगन आपका अलग हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं खिड़की दीवार भवन दरवाजा छत, खिड़की दीवार भवन, तो यहाँ पर देख सकते हैं खिड़की दीवार दरवाजा छत ये क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें भवन में यूज की जाती है, तो इसमें से भवन क्या है, भवन आपका एक बिल्कुल अलग शब्द है, तो भवन इसमें से अलग हो जाएगा। कमल लीली गुलाब गेंदा पंखुड़ी, कमल लीली गुलाब गेंदा पंखुड़ी इसमें से क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं कमल लीली गुलाब गेंदा ये सारे के सारे क्या है, फूलों के नाम है, लेकिन पंखुड़ी क्या होती है, पंखुड़ी इनमें फूलों में लगी हुई होती है, फूलों का ही एक भाग होती है, तो इसमें हो जाएगा पंखुड़ी। पहाड़ किला पहाड़ी नदी या इनमें से कोई नहीं, ठीक है, पहाड़ नदी पहाड़ी क्या है, ये सारे के सारे क्या है, मानव निर्मित चीजें हैं, जबकि किला क्या है, वो सॉरी पहाड़ पहाड़ी नदी ये क्या है, ये सारी सारी प्राकृतिक चीजें, जबकि किला क्या है, मानव निर्मित है, मानव के द्वारा बनाया जाता है, तो इसमें हो जाएगा 62 का सेकंड। अब बात करते हैं आगे, बात करते हैं आगे, हरा पीला दूसर लाल नीला, ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, तो इसमें देख के ही बता सकते हैं आप, दूसरा अलग है, ये बाकी की सारे सारे रंग है, आयरन एल्युमिनिया कॉपर स्टील पर्सिलेन, तो इसमें क्या हो जाएगा, पर्सिलेन को छोड़कर अन्य सभी क्या है, धातु हैं, पर्सिलेन को छोड़कर अन्य सभी क्या है, धातु हैं, पर्सिलेन को छोड़कर अन्य सभी धातु हैं। उसके बाद में बात करते हैं कुत्ता बिल्ली घोड़ा भैंस जेब्रा, ठीक है, कुत्ता बिल्ली घोड़ा भैंस जेब्रा, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, तो ये देखिए बड़ा ही बढ़िया सवाल है, कुत्ता बिल्ली घोड़ा जेब्रा भैंस, तो यहाँ पर देखिए कुत्ता बिल्ली घोड़ा भैंस जेब्रा, तो यहाँ पर देख सकते हैं भैंस आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि भैंस के सिर्फ सींग पाए जाते हैं, ना कुत्ता के पाए जाते हैं, ना बिल्ली के, ना घोड़ा के, ना जेब्रा के, तो यहाँ पर भैंस हो जाएगा। उसके बाद में बात करते हैं आगे, आगे क्वेश्चन क्या है, आगे क्वेश्चन है सेब संतरा पपीता, सेब संतरा पपीता, सेब संतरा पपीता गुलाब अमरूद, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा,
यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, सेब, संतरा, पपीता, गुलाब, बताइएगा इसमें क्या होगा। यहाँ पर देख के बता सकते हैं, सेब, संतरा, पपीता, अमरूद, ये क्या है, सारे के सारे फल हैं, जबकि गुलाब क्या है, एक फूल है, गुलाब एक फूल है। उसके बाद में आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की, क्वेश्चन नंबर 67 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, गेहूं, बंद गोभी, खाद्य, बैंगन, चावल, ठीक है। गेहूं, बंद गोभी, खाद्य, बैंगन, चावल, तो यहां पर देख सकते हैं खाद्य को छोड़कर अन्य सभी खाद्य के प्रकार है, खाद्य को छोड़कर अन्य सभी खाद्य के प्रकार है, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं पेन, पेंसिल, नोटबुक, शार्पनर, विद्यार्थी, तो यहाँ पर 68 का क्या हो जाएगा, विद्यार्थी, विद्यार्थी इन सभी चीज़ों का उपयोग करता है, ठीक है। ये सारी की सारी स्टेशनरी चीज़ें, पेन, पेंसिल, नोटबुक, शार्पनर। उसके बाद में बात करते हैं जुपिटर, मार्स, पृथ्वी, यूरेनियम, चंद्रमा, तो इसमें क्या हो जाएगा, यूरेनियम को छोड़कर इन सारे के सारे क्या है, आकाशीय पिंड है। उसके बाद में बात करते हैं तांबा, चांदी, सोना, हीरा, प्लेटिनम, तांबा, चांदी, सोना, हीरा, प्लेटिनम, तो क्या है, हीरा एक अपरूप है, जबकि ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे तांबा, चांदी, सोना, प्लेटिनम, ये क्या है, ये सभी धातुएं हैं। उसके बाद में बात करते हैं आगे, नीला, लाल, पीला, वायलेट, ग्रे, ठीक है। तो यहां पर देख सकते हैं नीला, लाल, वायलेट, पीला, ये क्या होते हैं, ये सारे के सारे इंद्रधनुष का कलर होते हैं, जबकि ग्रे क्या होता है, इंद्रधनुष का कलर नहीं होता है। टॉर्नेडो, ज्वालामुखी, तूफान, हरिकेन, चक्रवात, तो यहाँ पर देख सकते हैं टॉर्नेडो, हरिकेन, चक्रवात, ये क्या है, ये सारे के सारे तूफान है, जबकि ज्वालामुखी क्या है, ज्वालामुखी इसमें अलग हो जाएगा, क्योंकि ये सारे के सारे तेज हवाओं के नाम है, टॉर्नेडो, हरिकेन, चक्रवात, तूफान और टॉर्नेडो, ठीक है। उसके बाद में आता है फ्लोरीन, मैथीन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, तो इसमें बताइएगा फ्लोरीन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, मैथीन को छोड़कर, मैथीन इसमें से अलग हो जाए, क्योंकि मैथीन दो गैसों का मिश्रण है। उसके बाद में बात करते हैं क्लच, व्हील, ब्रेक, कार, गियर, ठीक है। तो क्लच, व्हील, ब्रेक, कार, गियर में क्या हो जाएगा, कार आपका सही हो जाए, क्योंकि कार के ही सारे के सारे पार्ट हैं, क्लच, व्हील, ब्रेक, गियर, ठीक है। सांप, मगर, मेंढक, छिपकली, मछली, तो इसमें से क्या हो जाएगा, इसमें से क्या हो जाएगा, इसमें से 75 का हो जाएगा छिपकली, क्योंकि छिपकली को छोड़कर अन्य सभी के सभी पानी में रहते हैं, सांप भी रहता है, मगर भी रहता है, मेंढक भी रहता है, मछली भी रहती है, तो इसमें हो जाएगा छिपकली। अब बात करते हैं आगे, ज्वार, गेहूं, बाजरा, सामा, सरसों, ज्वार, गेहूं, बाजरा, सामा, सरसों, तो यहाँ पर आप बता सकते हैं सरसों एक तिलहन है, इसलिए सरसों अलग हो जाएगा। उसके बाद में बात करते हैं सरसों एक तिलहन है, इसलिए सरसों अलग हो जाएगा। इसमें एकृत, फेफड़े, गुर्दा, कान, या इनमें से कोई नहीं, तो 77 में क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए एकृत, एकृत आपका राइट आंसर क्यों हो जाएगा, क्योंकि एकृत के छोड़कर बाकी सभी के दो दो भाग होते हैं, क्योंकि फेफड़े दो होते हैं, गुर्दे दो होते हैं, कान भी दो होते हैं, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं 78 क्वेश्चन नंबर की, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, या इनमें से कोई नहीं, तो हो जाएगा सीमा शुल्क, क्योंकि सीमा शुल्क क्या है, सीमा शुल्क क्यों आएगा इसका आंसर, क्योंकि सीमा शुल्क जो है वो देश के बाहर व्यापार किए जाने पर लिया जाता है, जबकि आयकर, बिक्री कर, सेवा कर देश के अंदर ही लिया जाता है व्यापार करने पर, ठीक है। उसके बाद में घड़ा, जग, प्लेट, मग, बाल्टी, तो इसमें से क्या हो जाएगा, प्लेट, प्लेट अलग क्यों हो जाएगा, क्योंकि प्लेट एक अलग है, घड़ा, जग, बाल्टी, मग, ये सारे के सारे पानी को एकत्रित करने के काम में आते हैं। उसके बाद चाकू, पेंसिल, पेन, पेपर, रूलर, उसके बाद में चाकू, पेन, पेंसिल, तो यहाँ पर देख सकते हैं क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखते हैं आंसर हो जाएगा आपका चाकू, क्योंकि चाकू स्टेशनरी का सामान नहीं है, पेन, पेंसिल, रूलर, ये सारे स्टेशनरी के सामान हैं। क्वेश्चन नंबर 81, क्रोध, चिंता, दृष्टि, खुशी, स्नेह, तो 81 में क्या हो जाएगा,
दृष्टि, क्योंकि दृष्टि एक क्या है, नेत्र की क्रिया है, और जबकि क्रोध, चिंता, खुशी, स्नेह ये क्या है, ये सारी की सारी क्या है, मानसिक क्रिया है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा दृष्टि, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा दृष्टि। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 82, कौवा, गिद्ध, गौरैया, चमगादड़, तोता। कौवा, गिद्ध, गौरैया, चमगादड़, तोता, तो इसमें क्या हो जाएगा, चमगादड़ को छोड़कर ये सारे के सारे हो जाएंगे, क्योंकि चमगादड़ अलग है इसमें से। बिल्ली, कुत्ता, सिंह, सियार, घोड़ा। बिल्ली, कुत्ता, सिंह, सियार, घोड़ा, घोड़ा को छोड़कर अन्य सभी के सभी क्या है, मांसाहारी है। कंगारू, मगरमच्छ, मेंढक, सांप, मुर्गी। कंगारू, मगरमच्छ, मेंढक, सांप, मुर्गी। यहाँ पर देख सकते हैं मगरमच्छ, मेंढक, सांप, मुर्गी ये सारे के सारे अंडे देते हैं, जबकि कंगारू अंडे नहीं देता है। पनीर, मक्खन, दूध, दही, घी, ठीक है, पनीर, मक्खन, दूध, दही, घी, इसमें हो जाएगा दूध, क्योंकि दूध से ही सारी की सारी चीज़ें बनती हैं। पनीर भी बनता है, मक्खन भी बनता है, दूध भी बनता है, वो दही भी बनता है और घी भी बनता है। सुनना, चलना, दौड़ना, तैरना और पढ़ना, इसमें क्या हो जाएगा, देखिए सुनना इसमें अलग हो जाएगा, क्यों, क्योंकि चलना भी एक क्रिया है, चलना, दौड़ना, तैरना, चढ़ना, ये सारे सारे क्या है, इसमें सभी में गति का प्रयोग हो रहा है। उसके बाद में अध्ययन कक्ष, स्नानागार, रसोई, कक्ष, फर्श, तो इसमें क्या हो जाएगा, 87 में क्या हो जाएगा आपका, इसमें हो जाएगा आपका फर्श, क्योंकि अन्य सभी में भी फर्श होता है। अध्ययन कक्ष में भी फर्श होता है, स्नानागार में भी फर्श होता है, रसोई में भी फर्श होता है और कक्ष में भी फर्श होता है। उसके बाद में बात करते हैं आगे क्वेश्चन की, क्वेश्चन आगे है आपका, टिन, लोहा, पीतल, जस्ता, एल्युमिनियम, तो इसमें क्या हो जाएगा, पीतल, क्योंकि पीतल एक मिश्र धातु है, तो इसमें क्या हो जाएगा, पीतल, क्योंकि पीतल एक मिश्र धातु है, तो इसमें हो जाएगा पीतल। शेर, बाघ, तेंदुआ, भालू, चीता, ठीक है, शेर, बाघ, तेंदुआ, भालू, चीता, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, देखते ही क्या हो जाएगा, भालू, भालू को छोड़कर अन्य सभी एक प्रजाति के जानवर हैं। बाघ के परिच्छेद, अक्षर, शब्द, अर्थ, तो इसमें क्या हो जाएगा, अर्थ, क्योंकि अर्थ क्या है, अर्थ इन सभी का मूल रूप है। प्राध्यापक, अध्यापक, सलाहकार, उपशिक्षक, प्रशिक्षक, 91 का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं सलाहकार को छोड़कर अन्य सभी शिक्षा से संबंधित हैं। उसके बाद प्रखर, गर्म, आर्द्र, तप्त, ठंडा, तो इसमें से क्या हो जाएगा, प्रखर, तप्त, ठंडा, आर्द्र, गर्म, 92 का क्या हो जाएगा, प्रखर, क्योंकि अन्य सभी मौसम का बता रहे हैं कि मौसम कैसा है, गर्म, आर्द्र, तप्त, ठंडा। कुल्हाड़ी, हथौड़ा, छुरी, तीर, लोहार, ठीक है, तो लोहार हो जाएगा इसमें, क्योंकि लोहार से ही सारे के सारे हथौड़ा, छुरी, तीर, कुल्हाड़ी संबंधित हैं। इसके बाद में बात करते हैं आगे, उसके बाद में बात करते हैं रेडियो, एक्सरे, टेलीफोन, कंप्यूटर, टेलीविजन, तो इसमें क्या बताया था, इसमें बताया था प्रखर, इसमें बताया था लोहार, रेडियो, एक्सरे, टेलीफोन, कंप्यूटर, टेलीविजन, तो इसमें क्या हो जाएगा, एक्सरे, क्योंकि एक्सरे को छोड़कर सभी के सभी क्या है, संचार के साधन है। उसके बाद में खुशी, उन्माद, सुख, सहायता, सांत्वना, 95 का क्या हो जाएगा, सहायता, सहायता को छोड़कर सभी मानसिक क्या है, मानसिक, मानसिक उसके बाद में 96 नाक, हाथ, कान, त्वचा, आंख, ठीक है, 96 का क्या हो जाएगा, हाँ, हाथ को छोड़कर अन्य सभी क्या है, ज्ञानेंद्रियां हैं, नाक भी ज्ञानेंद्रिय, त्वचा, आंख, कान, ये सारी की सारी, पत्रिका, पुस्तक, जर्नल, शब्दकोश, पुस्तकालय, तो 97 क्या हो जाएगा, पुस्तकालय, ये सारे के सारे पुस्तकालय के अंतर्गत आती हैं, तो इसका हो जाएगा पुस्तकालय।
ठीक है, तो इसका हो जाएगा पुस्तकालय। तो क्लासिफिकेशन आपका खत्म हो चुका है, अंक का क्लासिफिकेशन और शब्दों का क्लासिफिकेशन हो चुका है, अब बचा है अक्षरों का क्लासिफिकेशन। ठीक है, ये जो अल्फ़ाबेट होते हैं ABCD, इसका क्लासिफिकेशन बचा है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये पढ़ाएंगे जब कोडिंग एंड डिकोडिंग पढ़ाएंगे तब, क्योंकि कोडिंग एंड डिकोडिंग में आपको जब सिखाएंगे कि ये जो ABCD के हैं इसके नंबर को कैसे याद करना है, इनकी वैल्यू को कैसे याद करना है, ठीक है, तो उसके साथ ही साथ इसको सिखाएंगे उसके बाद में, जब आपको याद करा देंगे सारी की सारी चीज़ें। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद सभी का।